हाँ जी सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी आज बच्चों आप देखेंगे पंजाब के अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ जी जो कि ताडे एक अपकमिंग एग्जाम लिए काफ़ी हेल्पफुल रहन वाले है। हाँ जी बच्चों तुसी भी मेरा पूरा पूरा साथ देना ते तुहानू मैं बहुत ही वधिया तरीके नाल जो है जीके दे क्वेश्चन आप अज रिवाइज़ करांगे। तो हाँ जी बच्चों अज आप स्टार्ट करते हैं जीके दे कुछ क्वेश्चन, हाँ जी जो कि ताडे पंजाब दे आने वाले एग्जाम लिए बहुत ही वधिया रहन वाले है। हाँ जी चलो बच्चों करिए फिर स्टार्ट। Yes, हाँ जी तो देखो जीके का फन प्रियंका मैम के साथ। हाँ जी तो देखो, हाँ जी तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोला गया है। हाँ जी तो इन लोकसभा ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ द हाउस इज नोमिनेट बाय, वो कहते कि भारत की लोकसभा विच नेता घर जिहड़ा हुंदा किस द्वारा नामजद किया जाता है। हाँ जी पहली ऑप्शन है ताडी प्रेजिडेंट, सैकेंड ऑप्शन लोकसभा स्पीकर, थर्ड ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन डिप्टी स्पीकर। हाँ जी किंदे द्वारा किता जाता है? प्रेसिडेंट। हाँ जी पहले मैनू ये दसो लीडर ऑफ द हाउस हुंदा कौन है? हाँ जी मैनू यही उम्मीद सी तुसी आई आंसर दोगे उपराष्ट्रपति। नो बच्चो लोकसभा दे विच लीडर आपा कौन चुनने हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर किंदे द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। हाँ जी बट वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वह भी अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट भी किंदे द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। हाँ जी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ जी देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 52। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी ये है प्रेसिडेंट, बिल्कुल सटीक उत्तर जड़ा है ताड़ा कि प्रेसिडेंट है भारत की लोकसभा विच नेता घर किस द्वारा किया जाता है, अपॉइंट नियुक्त किया जाता है? तो हाँ जी वो है ताड़ा प्रेसिडेंट। हाँ जी पहला क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी बच्चे जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आपकी कॉपी पेन नाल देखन नाल आपके क्वेश्चन तैयार करन, बहुत ही वधिया वधिया चीज़ा सीखन नू मिलनगियां तुहानू। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन पर चलिए फिर। हाँ जी विच वॉज द लास्ट बैटल फोर्ट बाय बंदा सिंह बहादुर अगेंस्ट द मुगल्स। हाँ जी बंदा सिंह बहादुर द्वारा जिहड़ी आखिरी लड़ाई सी वो कि जिंदी है किंदे द्वारा कि जी आखिरी लड़ाई? बैटल ऑफ चमकौर, बैटल ऑफ नंगल, बैटल ऑफ मुक्सर, बैटल ऑफ गुरदास नंगल। तो आंसर इज बैटल ऑफ गुरदास नंगल। हाँ जी एक क्वेश्चन होर मेरे दिमाग दे विच आया कि बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम की सी? हाँ जी वेरी गुड, की सी? लक्ष्मण दास। हाँ जी तो बैटल ऑफ गुरदास नंगल जड़ी है मुगलों के खिलाफ लड़ी गई अंतिम लड़ाई ते आखिरी लड़ाई। हाँ जी क्लियर है बच्चो? हाँ जी उस तो बाद बच्चो जिहड़ा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कित्थे होया सी? हाँ जी कदों? हाँ तो 1670 ईस्वी दे विच बंदा सिंह बहादुर का जन्म होया। तो बंदा सिंह बहादुर की उपाधि किन्ने दित्ती सी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। हाँ जी क्लियर है? ये सटीक आंसर है ताडा बैटल ऑफ गुरदास नंगल। क्लियर है? हाँ जी गॉट इट। चलिए फिर नैक्सट क्वेश्चन दे। हाँ जी तो हाँ जी ये काफ़ी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ भी कई एग्जामों के आ चुके हैं तो ताडे भी जड़े आने वाले एग्जाम के पूछा जा सकता है। हाँ जी क्वेश्चन की है ताडा द फर्स्ट सुवी पॉइंट टू पंजाब हु अडोप्टिड द पॉपुलर मेजर ऑफ काफ़ी ऑफ एक्सप्रेस हिज माइस्टिक आइडिया वाज। हाँ जी जो पंजाब का पहला सूफी कौन सी? पहला तो क्वेश्चन इतों बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब का पहला सूफी कौन सी? पंजाब का पहला सूफी जिसने अपने रहसवादी विचारों प्रगट करने लिए काफ़ी दे प्रसिद्ध उपाय अपनाया, मतलब अडोप्ट किया। हाँ जी उस तो बाद बच्चों केड़ा सी? हाँ जी बुल्ले शाह हुसैन, वारिस शाह या मियाँ मीर। तो सटीक ताडा उत्तर हैगा है बुल्ले शाह। तो फर्स्ट सूफी केड़ा सी ताडा? बुल्ले शाह। हाँ जी क्लियर है? बुल्ले शाह। वेरी वेरी। हाँ जी ये दिमाग दे विच छाप लो क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट सूफी कावि केड़ा सी? बुल्ले शाह। हाँ जी क्लियर है? ओके। हाँ जी बड़े ही वधिया क्वेश्चन रहन वाले है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है ताडा टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशन भगत सिंह वाज एसोसिएटेड। हेठ लिखिया संस्थावां विचों केड़ी भगत सिंह नाल संबंधित सी? तां कीर्ति किसान सभा, बी ऑप्शन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन, सी है ताडी नौजवान भारत सभा, एंड डी ऑप्शन है ताडी ऑल ऑफ दीज।
हाँ जी की ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हाँ जी चलो ऑल ऑफ दीज तुसी मैनू आंसर दिता, पर मैनू ए दसो कि कीर्ति किसान सभा कदों एस्टैब्लिश हुई सी, कदों केड़े सन दे विच आई सी। हाँ जी ये अगर तुहानू रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर दे विच, तुसी बड़ा सही उत्तर दिता, बड़ा स्टीक आंसर दिता कि ऑल ऑफ दीज ही सी इहदा आंसर जिहड़ा है राइट आंसर। बट ये तीनों सभा का जिहड़ा सी तुहाडा संबंधित सी तीनों सभा नाल। हाँ जी हुण दसो कि कीर्ति किसान सभा बनी 1927 दे विच, हाँ जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन बनती है ताड़ी 1928 दे विच, एंड नौजवान भारत सभा ताड़ी बनती है 1924 दे विच। क्लीयर है? हुण एग्जाम दे विच आवे कि नौजवान भारत सभा कदों बनी 1924 दे विच, हिंदुस्तान सोशलिस्ट जिहड़ी रिपब्लिक एसोसीएशन बनी कदों 1928 दे विच, ते कीर्ति किसान सभा कदों आई होण दे विच 1927 दे विच। हाँ जी किन्ने क्वेश्चन तुहाडे क्लीयर होए इस क्वेश्चन दे विच, ते भगत सिंह ही तिन्ना जिहड़ी सभा दे नाल संबंधित सी, तां तुहाडा सटीक उत्तर की होएगा ऑल ऑफ दिस। ओके बच्चो क्लीयर है? हाँ जी चलिए फिर। हाँ जी हु सेड, वेरी वेरी बड़ा ही वधिया क्वेश्चन, हाँ जी आन वाले एग्जाम लई ताडे लई, हु सेड आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड टॉयल एंड टीयर्स एंड स्वीट। किसने कहा सी कि मेरे कोल खून पसीना मेहनत अते हंजुआ तो इलावा दे लई कुछ नहीं है। क्लीयर है? तां हाँ जी एडलो फिटलर पहली ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सरदार पटेल, थर्ड ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, फोर्थ ऑप्शन विंस्टन चर्चिल। हाँ जी तो मैनू तुसी दसोगे केड़ा किन्ने किया सी? हाँ जी सी, गैस करो की सी? सी ऑप्शन। हाँ जी ताड़ा सटीक उत्तर है डी ऑप्शन विंस्टन चर्चिल। की सी? विंस्टन चर्चिल। उन्हें कहा सी कि मेरे कोल खून पसीना मेहनत हंजुआ दे इलावा देनू कुछ नहीं है। हाँ जी एक नारा होर ताड़े लई, लाल बहादुर शास्त्री ने केड़ा नारा लाया सी, स्लोगन केड़ा? जय जवान जय किसान। क्लियर है? हाँ जी बड़ा ही इंपोर्टेंट स्लोगन नारा जेड़ा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लग्या गया सी, जय जवान जय किसान। ते जेड़े ए वर्ड कहे गए कि मेरे कोल खून पसीना मेहनत, ये किन्ने कहे सी? विंस्टन चर्चिल। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी जेड़ा तुहाडा सटीक उत्तर है वो डी ऑप्शन है। क्लीयर है? हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों जिंदगी च याद रखे जे कि जज्बा होना चाहिए जीतन का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है? तो तुसी इस जज्बे नाल ही क्वेश्चन करने हैं और जरूर तुसी आपका पेपर क्रैक करोगे। क्लीयर है? हाँ जी ओके अगे चलते हैं। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर्स डज द दुआबा रीजन इन पंजाब फुल। पंजाब का केड़ा दुआबा, केड़ा दो नदियां का संगम है? रावी ब्यास, पहली ऑप्शन रावी ब्यास, ब्यास सतलुज, द सतलुज घग्गर या जेलम रावी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी बी ऑप्शन, सारे बी कहते हैं। हाँ जी बहुत ही वधिया उत्तर, सटीक उत्तर जिहड़ा हैगा तुहाडा बी ऑप्शन है, द ब्यास सतलुज दो रवियां दा जिहड़ा है, दो नदियां दा संगम है। क्लीयर है? ब्यास ते सतलुज। क्लीयर है? चलो फिर अगे। हाँ जी पंजाब दा टोटल एरिया किन्ना है? 50,362। वेरी गुड। हाँ जी अगला तुहाडा क्वेश्चन है, द वर्ड जस्टिक इन द फॉर्म ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिक प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम। हाँ जी प्रस्तावना दे विच मौजूद समाजिक आर्थिक, हाँ जी बड़े ही इंटेलिजेंट होए पे हो ना। हाँ जी तो बड़े ही प्रस्तावना दे विच ये तीन वर्ड केड़ी रेवोल्यूशन तो लिते गए, समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक? तां जी ओ लिते गए ताडे अमेरिकन ए ऑप्शन या बी ऑप्शन फ्रेंच चो या सी रशियन या नन ऑफ दीज। तां जी तुसी फ्रेंच ते रशियन चो कन्फ्यूज हुंदे हो। जिहड़ा न्याय है, देखो रशिया हमेशा आपदी न्याय दी गल करदा है कि मैं आपदा सही हाँ, मैं न्याय लैके रवांगा। तो की लगाओगे आंसर? रशियन रेवोल्यूशन। इहदा जिहड़ा सटीक उत्तर है वह सी ऑप्शन है। की हैगा? सी ऑप्शन है। हाँ जी चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे। हाँ जी व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर वाइस प्रेसिडेंट कैन वर्क एज प्रेसिडेंट। हाँ जी
अगे भी मैं तुम्हें मेरिया क्लासा लगाइया है पोल्ट्री दियां भी हिस्ट्री दियां भी बड़ी ही वधिया तरीके नाल तुहानू मैं जिहड़ी कराई है याद। हाँ जी बच्चो असी बड़ी ही मेहनत दे नाल तुहाडे लई इह जिहड़ी इह मैटर लैके आने आ बहुत ही सानू क्रिएटिविटी करनी पैंदी है कि बच्चों का पेपर जल्दी क्रैक होवे। तां तुहानू प्लीज़ साडा चैनल जिहड़ा है तुसीं सबसक्राइब करो और आने वाले जिहड़े पंजाब दे एग्जाम है जिन्हें भी एग्जाम है ऐसे तुहानू कुछ क्वेश्चन साडे लई हैल्पफुल होण तां प्लीज़ तुसीं सबसक्राइब जरूर करिओ जी। हाँ जी वट इज़ द मैक्सीमम टाइम ऑफ वाइस प्रेजिडेंट कैन वर्क एज ए प्रेजिडेंट राष्ट्रपति दे अहुदे ते खाली होंदे समय उप राष्ट्रपति वध तो वध किन्ना समा काम करता है तां किन्ना समा। हाँ जी ए ऑप्शन 3 मंथ बी 6 एंड सी 1 या 2 ईयर। तां जी तुहाडा जिहड़ा है मिनिमम टाइम रहेगा मैक्सीमम 6 मंथ। हाँ जी अगे भी मैं तुहानू दस्या सी कि अगर एक 6 मंथ हाँ जी 6 मंथ एंड 14 डेज। हाँ जी ये तो जिहड़ी चीज़ है तुसी आपदे पल्ले बन लो आपदे रट्टा ला लो एक तरह का। कोई भी इलैक्शन जिहड़े हुंदे आ ज़्यादातर 6 मंथ के बाद ही हुंदे आ। प्रेजिडेंट को नोटिस किन्ने दिन का जाता है तो 14 दिन का जाता है 14 डेज का जाता है। क्लीयर है तो ये बड़ा ही अगर तुहानू एग्जाम दे विच मान लो CM है CM मान लो कोई अपने गद्दी ते नहीं हैगा तो वह भी 6 मंथ बाद इलैक्शन कराई जाती है। क्लीयर है? हाँ जी क्लीयर बच्चो तो 6 मंथ इनका सही सही उत्तर। हाँ जी एक होर क्वेश्चन मेरे दिमाग दे विच आया कि प्रेजिडेंट काम कर सकता है वाइस प्रेजिडेंट राष्ट्रपति की जगह पर तो यह कि आर्टिकल दे विच लिखा गया है कि वाइस प्रेजिडेंट काम कर सकता है तो वह कर सकता है 65 एक एक्टिंग प्रेजिडेंट काम कर सकता है तो आर्टिकल किन्दे विच है 65 दे विच दस्या गया है कि उप राष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर काम कर सकता है फॉर मैक्सीमम 6 मंथ लई। हाँ जी क्लीयर है बच्चो? हाँ जी नैक्सट चलते हैं। Who established the Arya Samaj? Arya Samaj की स्थापना जड़ी है किसने की? राजा राम दयानंद सरस्वती विवेकानंद एनी बेसेंट। हाँ जी एंड सॉरी तो आधा ढादा सटीक उत्तर हैगा है दयानंद सरस्वती। हाँ जी हुण मैनूं ये दसो ब्रह्मा समाज की किन्ने की सी? हाँ जी ब्रह्मा समाज की राजा राम मोहन राहे ने। क्लीयर है? ये भी बड़ा देखो जिवें आ क्वेश्चन आया आर्या समाज इहनू ही रिलेट करके आ जाऊगा तुहाडे एग्जाम दे विच कि ब्रह्मा समाज की जिहड़ी है स्थापना किन्ने कीती फाउंडर कौन सी तो राजा राम मोहन। हुण एक क्वेश्चन होर आएगा कि जिहड़ी आ विवेकानंद है स्वामी विवेकानंद का क्वेश्चन बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन केड़ा सी बच्चो? ये मैं दसदी हाँ एक ऐजा भारतीय सी जिन्हें गेव ए स्पीच जिहड़ी दिल नूं छून वाली इहदी स्पीच रही है USA दे विच एक आंदा है क्वेश्चन किहड़ी जगह ते दित्ती सी इहने स्पीच तो जगह का नाम सी शिकागो। की सी? शिकागो। हाँ जी शिकागो दे विच ये स्पीच दे के आया सी। एक काफ़ी भावुक रही स्पीच पूछी जाती है कि स्वामी विवेकानंद ने किहड़ी जगह ते स्पीच दित्ती सी तो शिकागो दे विच दित्ती। ये जगह कित्थे है? USA दे विच। क्लीयर है? विवेकानंद का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लीयर है बच्चो? ओके। हाँ जी इन्हें जिवें स्पीच स्टार्ट की ऑल माई ब्रदर एंड सिस्टर मतलब उतों आ चीज़ की सारे ही मेरे भैन से भरा ने वो चीज़ बड़ी भावुक की जी है ताडे पेपर के पूछी जाती है स्पीच कि जी भावुक होने वाली स्पीच थी जिन्हें तो भावुक होए अंग्रेज था वो कि जगह पर दिती सी तो शिकागो के दिती सी। हाँ जी क्लीयर है? बट इस क्वेश्चन का आंसर से बी सटीक उत्तर आर्या समाज की स्थापना तो ब्रह्मा समाज की किन्ने की राजा राम मोहन। क्लीयर है बच्चो? हाँ जी नैक्सट चलिए फिर। हाँ जी अगो आया एनी बेसेंट इंडियन नैशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेजिडेंट कदों बनी तो वह बनी 1917 ने। हाँ जी अपने इंडिया दे विच इन्हें की शुरू किया? होम रूल लीग। की शुरू किया? होम रूल लीग शुरू किया। हाँ जी ये भी बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने इंडिया दे विच होम रूल लीग जड़ा है किन्ने शुरू करवाया सी तो आइडिया किंदा सी कंसेप्ट किंदा सी तो एनी बसंत दा बट आपने पहली बारी भारत दे विच बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया सी। आइडिया तो तुम आइडिया पूछा जाए तो एनी बसंत ने जिवें ही पूरे इंडिया दे विच होम रूल किन्ने स्टार्ट किया तो वह किया एनी बसंत ने। अगर तुम पूछा जाए कि होम रूल लीग बाल गंगाधर ने कितने शुरू किया सी तो पुणे महाराष्ट्र। हाँ जी किन्ने ही क्वेश्चन तुहाडे एक क्वेश्चन दे विच किन्ने ही क्लीयर हुंदे आ। क्लीयर है बच्चो? चलिए फिर नैक्सट। हाँ जी सैकेंड कैपिटल ऑफ अकबर अकबर की दूजी राजधानी की बनाई उन्हें कि राजधानी त
ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਪਟਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਸਟੀਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ हाँ जी दिमाग दे विच छाप लो अकबर ने फतेहपुर सिकरी नू जड़ी है आपदा सैकेंड कैपिटल बनाई सी क्लीयर बच्चो हाँ जी उस तो बाद बच्चो आंदा तुहाडा नैक्सट क्वेश्चन कि विच कंट्री डिस्कार्ड द सी पाथ ऑफ इंडिया भारत के समुद्री मार्ग तो हाँ जी केड़ा सी ए हाँ जी कौन सी वेरी गुड हाँ जी कौन आया सी पुर्तगाल डच फ्रेंच ब्रिटेन तो की सी सटीक उत्तर की है पुर्तगाल हाँ जी केड़ा सी जड़ा यात्री आया सी वास्को डी गामा कदों आया 1498 दे विच ए अपने कह जे सी यूनानी सी जड़े अपने समुंदर दे रस्ते तो आए सी सी पाथ ऑफ रोम क्लीयर है हाँ जी इहना जड़ा सटीक उत्तर है वह की है पुर्तगाल क्लीयर हाँ जी अगले क्वेश्चन दे चलिए फिर चंपारा सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन विच ईयर चंपारा सत्याग्रह किस साल दे विच शुरू होया 1917, 1921, 1923 हाँ जी सारे की कहंदे है हाँ जी 1917 दे विच होया इस ठीक उत्तर है बिल्कुल ही सही उत्तर है बट चंपारा सत्याग्रह कित्थे है जगह कित्थे है बिहार दे विच एक विलेज सी चंपारा उसे नाम तो ही की पै गया चंपारा सत्याग्रह और इनका रीजन की सी चंपारा सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया की रीजन सी उत्थे नील की खेती हुंदी सी उन्हूं रोकन वास्ते जड़ा है चंपारा रीजन की सी हाँ जी इंडिको की जड़ी नील की खेती हुंदी है उन्दे लई ये सत्याग्रह शुरू किया गया सी 1917 दे विच क्लीयर है मतलब रीजन की सी इहदा रीजन की सी चंपारा सत्याग्रह का नील की खेती जड़ी सी वो बंद करवाने लई किया गया सी हाँ जी जिहड़ा सटीक उत्तर है वह तुहाडा 1917 हुण मैनू ऑप्शन दे विच दसो कि गदर पार्टी का फॉरमेशन कदों होया कदों बनी गदर पार्टी 1913 दे विच वेरी गुड 1913 दे विच गदर पार्टी बनी गदर पार्टी का फाउंडर कौन सी लाला हरदयाल कौन सी लाला हरदयाल ते गदर पार्टी का प्रेजिडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सोहन सिंह बकना कौन सी सोहन सिंह बकना हाँ जी क्लीयर है बच्चों तो चंपारा सत्याग्रह 1917 दे विच शुरू होया ते ए जड़ा होया सी बिहार दे विच होया हाँ जी जिन्हें कि इंडिको की खेती रोकने वास्ते होया नील की खेती महात्मा गांधी ने जड़ी है स्ट्राइक सत्याग्रह शुरू किया क्लीयर है हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन में चलिए द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फॉर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1978 1978 किहड़े साल दे विच जायदाद का अधिकार जिहड़ा है खत्म किया गया हाँ जी किधरों जिहड़ा हटा दिता गया फंडामेंटल राइट की सूची के विचों हाँ जी तो 73, 42, 86, 44 तुहाडा की होएगा हाँ जी बिल्कुल सटीक उत्तर है तुहाडा 44 अमेंडमेंट 1978 दे विच राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार हटा दिता गया और इनू एक लीगल राइट बना दिता गया लीगल राइट्स बना दिता गया कानून अधिकार जिन्हों रखा गया 300A आर्टिकल दे विच क्लीयर है राइट टू प्रॉपर्टी क्लीयर बच्चों हाँ जी हुण ए ऑप्शन मैनू थोड़ी नज़र आ रही है ए ऑप्शन 73 एंदे लई राई की होया पंचायत सिस्टम आया 73 अमेंडमेंट हाँ जी एक गल याद रखे है बच्चों हाँ जी 71, 72, 73, 74 ये ज़्यादातर मोस्टली जी अमेंडमेंट आई है ये आई है 1992 दे विच आईया ने हाँ जी कदों आईया तुसी थोड़ा गैस कर सकते हो एग्जाम दे विच 73 आवे 74 आवे 71 आवे जिंदे विच अपनी लैंग्वेज जोड़िया गई हाँ जी वो सारिया 1992 दे विच जोड़िया गई तो हाँ जी जिहड़ा सी 1992 तो देखो 42 अमेंडमेंट दे विच प्रैम्बल दे विच 3 वर्ड ऐड किए गए सिस सिस याद रखोगे सोशलिस्ट इंटीग्रिटी एंड सैकुलर ये 42 अमेंडमेंट 1976 दे विच ऐड किए गए जिन्हों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जाता सी क्लीयर है ओके है हाँ जी 86 ये कि ऑप्शन है 86 अमेंडमेंट के राही की होया सी
हाँ जी, जिहड़ा फ्री एजुकेशन का सिस्टम चलाया गया वो केड़ी अमेंडमेंट द्वारा चलाया गया? 86 अमेंडमेंट कदों? 2002 या 2010? हाँ जी 2010 दे विच इंप्लीमेंट हुई सी। हाँ जी 2010 दे विच जिहड़ा है राइट टू एजुकेशन जिहड़ा है अपने होंद दे विच आया। क्लीयर है? ओके बच्चो। हाँ जी उस तो बाद बच्चो नैक्सट क्वेश्चन है ताडा, विच ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? पंजाब के इन्हों जिलों में किस की आबादी 2011 की जनगणना अनुसार सब तो वध है? तो मोहाली, फरीदकोट, तरन तारण, कपूरथला। तो सटीक उत्तर है ताडा मोहाली। तो 2011 के देखो जिले के जोड़ा है तो वह सब तो उपर रही है मोहाली की रही है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तुम घरों मैं दसना है कि सब तो घट रही ग्रोथ पॉपुलेशन वाइज, ता जी ये मैं कमेंट बॉक्स के दसना है। क्लीयर है? हाँ जी अगला उत्तर है ताडा लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही वधिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लैन वॉज लॉन्च इन द ईयर, पहली 5 साल योजना केड़े साल दे विच शुरू हुई? हाँ जी 1948, 1950, 1951, 1949। तो सटीक उत्तर है ताडा 1951 दे विच। 1900 हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट कदों किया? 1949 दे विच, 26 नवंबर 1949 दे विच। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कदों किया? 26 जनवरी 1950 दे विच। हाँ जी 1951 दे विच आपां की किया 5 साल वर्नियर। हाँ जी इहदे 3 क्वेश्चन तुहाडे क्लीयर हुंदे आ। हाँ जी पंजाब दे विच पहली अमरजेंसी, पंजाब दे विच फर्स्ट टाइम अमरजेंसी कदों लगी सी? तो वह भी की लगी सी? हाँ जी कदों लगी सी? 1951 दे विच। 5 ईयर प्लैन भी कदों आया? 1951 दे विच आया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कदों होए? 1951-52। हाँ जी इन्ने क्वेश्चन तुहाडे क्लीयर हुंदे आ। हाँ जी बच्चो देखो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कदों होया, तैयार कदों होया? 1949 दे विच। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कदों होया? 1950 दे विच। ते पहली 5 वर्षीय योजना कदों? हाँ जी ये किन्ने किस वास्ते की रीज़न वास्ते आई सी? एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट लई आई सी पहली 5 वर्षीय योजना 1951 लई। हाँ जी सटीक उत्तर है ताडा 1951। हाँ जी बड़े ही ताडे लई वधिया क्वेश्चन सी, कुछ तुहानू क्वेश्चन क्लीयर हुए। तो जी आने वाले एग्जाम लई तुसी होर क्वेश्चन करना चाहते हो तो साडे चैनल नू सबसक्राइब करो और जरूर दस्या जे कि हाँ जी किवें लगे तुहानू जीके दे क्वेश्चन होर ताडे लई तैयार करिए आने वाले एग्जाम लई। हाँ जी धन्यवाद बच्चों।